सबिना जी, अब हमें नीलेश मोहते का जो आर्ट गैलरी है होटल ताज कुलाबा मुंबई, आपको कैसा लगा? जी, मैं यहाँ पे होटल ताज होटल गैलरी में आई हूँ। मुझे इन्होंने इनवाइट किया है। नितिन मोहिते सर जी ने बहुत ही अच्छा एग्जीबिशन रखा है यहाँ पे आर्ट का। उनकी ब्यूटीफुल आर्ट्स ड्राइंग आप देख सकते हो, इतनी खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा लगा। पता नहीं कि मैं बता नहीं सकती शब्दों में कि किस मतलब बहुत ही खूबसूरत सी उनकी आर्ट है, कला है, जिसमें कुछ छुपी हुई है वो जो उसमें देख कर नज़र बाहर निकल रही है। जो आप देख सकते हैं रतन टाटा, ये पेंटिंग पीछे लगी हुई है, बहुत ही खूबसूरत है। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। एग्जीबिशन देख के गैलरी में बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करते हैं एबीपी न्यूज़ का, जिन्होंने इस कार्यक्रम में आज जो ताज होटल में ताज आर्ट गैलरी में हमें इनवाइट किया है, जय हो सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट की टीम को। और आज ये हमने यहाँ कला देखी है नीलेश मोहिते सर जी की। हमने कला सुनी थी कि ड्राइंगें होती है, पर आज उन्होंने एक सामने साबित कर दिखाई। एक तो एक छोटा सा हॉल है, आगे भी बहुत सारी उनकी ड्राइंग्स पड़ी है। ये आप देख सकते हो रतन टाटा जी का, और सामने संजय दत्त सर जी के, नरगिस जी की फ़ोटो बनाई हुई है। बहुत सी इन्होंने ड्राइंग की है। और हमारी और भी हिंदुस्तान के छोटे बच्चों से भी गुजारिश है कि ये कला हर बच्चे में आई, जो आने वाले वक्त में हर बच्चा इस कला का उपयोग करे। कला ही आज सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है जी, कला होनी चाहिए, कला से आप कुछ भी कर सकते हो। और आज ये इनकी नीलेश मोहिते सर जी की कला हम देखने आए थे और बहुत अच्छा लगा। ये आज ये ताज होटल ताज आर्ट गैलरी में ये एग्जीबिशन लगी हुई है कोलाबा में, बहुत अच्छा था। बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ का भी। सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि जो कि हमारी जय हो सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट टीम को आपने इनवाइट किया, और नीलेश मोहिते जी ने जो इतनी अच्छी पेंटिंग उन्होंने ताज आर्ट गैलरी में रखी है और हम लोगों को इनवाइट करके यहाँ पे दिखाया गया, बताया गया, और हम भी देख रहे हैं, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी उन्होंने पेंटिंग की है। और यही दुआ है कि आने वाले टाइम पे वो जो भी वो कामयाबी की तरफ बढ़े और इस तरह की पेंटिंग और बनाए और बड़े बड़े एग्जीबिशन्स में लगाए वो, जिससे उनकी पेंटिंग की लोग कदर करें आने वाले टाइम में। और लोग जैसे लोग शौकीन होते हैं कि अपने घरों में पेंटिंग खरीद के ले आके लगाते हैं, तो यही दुआ है कि आने वाले वक्त में जो भी लोग पेंटिंग के शौकीन हैं वो ज़रूर नीलेश मोहिते जी की पेंटिंग को इम्पॉर्टेंट दे और ख़रीदे और ले जाके अपने घरों में लगाए, सजाए और उनकी पेंटिंग की कदर करें। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश मोहिते जी का, जिन्होंने हमें यहाँ पे अपनी पेंटिंग देखने का मौका दिया, और हम भी यही दुआ करते हैं कि उन्हें आगे कामयाबी मिले। शुक्रिया। दोस्तों, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़ सोशल मीडिया, मुंबई कुलाबा होटल ताज, नितिन मोहिते का पे गैलरी आर्ट्स का पूरा लगा है। आइए, राजखान फिल्म एक्टर राजखान से बात करने जा रहे हैं। राजा भाई, आपको कैसे लगा आपको एक्टर? सबसे पहले मैं एबीपी न्यूज़ के जितने भी सोशल मीडिया के जितने भी आपके दर्शक हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं, और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इतने बड़े मंच पर मुझे बोलने का मौका दिया और मेरी राय जानने की कोशिश की, और मुझे इस न्यूज़ चैनल पे इंटरव्यू करने का मौका दिया। इसके लिए पहले बहुत बहुत शुक्रिया, और जो हमारे दोस्त देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वर्ज है कैम छो, गुड इवनिंग। दोस्तों, मैं आज मुंबई कुलाबा गेट ऑफ इंडिया के पास जो न्यू होटल ताज है, मैं इसमें गैलरी में आया और मुझे देखकर बड़ा अच्छा लगा, और बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनी हुई है। एक्चुअली क्या, मैं बॉलीवुड से बिलोंग करता हूँ, बॉलीवुड में वर्क करता हूँ, बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में वर्क करता हूँ, तो मैं यहाँ पर आया तो मैंने बहुत सारी खूबसूरत पेंटिंग देखी, लेकिन ये पेंटिंग की कुछ बात ही अलग है, क्योंकि यहाँ पर दत्त परिवार दिखाया गया है। ये देखिए सुनील दत्त साहब, जिनसे हम लोग पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं, और सुनील दत्त साहब को जब देखते हैं तो इनकी फिल्म मदर इंडिया याद आ जाती है, जिसमें नरगिस जी भी हैं। देखिए आप, नरगिस जी हैं और दत्त साहब हैं, सुनील दत्त साहब हैं और संजय दत्त साहब हैं। और आपको साइड में अगर नज़र डालेंगे तो ये पेंटिंग देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा। ये पेंटिंग कौन है, ये पेंटिंग किसकी है, कौन सा एक्टर है,
कौन सा एक्टर है? सलमान खान। आपको समझ में नहीं आएगा ऐसे, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैं इसको देखते ही समझ गया था, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं फिल्म लाइन से जुड़ा हूँ और बॉलीवुड से जुड़ा हूँ, तो मैं एक एक चीज़ इस पर नज़र रखता हूँ। ये मैंने जब देखा छड़ी लिए, ये फेस देखा, तो मैंने कहा ये सलमान खान साहब हैं। और ये सीन आपको शायद याद आएगा कि फिल्म का जो डी एंड हुआ था, तो मुन्नी को जो उठाया था सलमान खान ने, उछाला था, वो वहीं पे रुक गया था और वो पूरी फिल्म यानी डी एंड हो गया था। वो सलमान खान ने जो मुन्नी को लास्ट में वो बॉर्डर पर उठाया था, और लास्ट में बॉर्डर में जब वो पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर में जब जाने लगते हैं, उस टाइम का ये सीन है सलमान खान साहब का। बजरंगी भाईजान जो फिल्म थी उसकी ये लास्ट का सीन का जो था उसकी ये आर्ट है। और इसको पेंटिंग को जो किया है, जो पेंटर हैं, जो जितनी भी पेंटिंग आप देख रहे हैं आर्ट गैलरी में, नीलेश मोहते साहब ने बनाई है, और बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत ही अच्छा उन्होंने वर्क किया है। एक एक पेंटिंग में एक एक राज छुपा है। आप अभी उधर पे देखेंगे, बगल में भी रतन टाटा साहब की आपने एक बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है, बगल में ये उन्होंने बनाई है, देश का हमारा जो भविष्य है और हमारे जो टाटा ग्रुप का जो शुरुआत हुई है शुरू से लेके एंड तक, इस में दिखाने की कोशिश की गई है कि साइंटिस्ट भी दिखाने की कोशिश की गई है, एजुकेशन को लेके जो हमारे, हाँ बहुत नॉलेज है उन्होंने, यानी अपने पेंटिंग के माध्यम से बहुत कुछ कहने की कोशिश की है। और मैं उनका नीलिल मोहते साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस इवेंट में उन्होंने मुझे इनवाइट किया और यहाँ पर मैं आया अली भाई के साथ। तो मैं अब दोनों भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और यहाँ पर मैं एक्टर रेहान साहब के साथ भी, अब एक्टर रेहान साहब भी हमारे साथ आए हुए हैं, और बड़ा अच्छा लगा मुझे, बड़ी खुशी हुई यहाँ पर आकर। मैं जितनी भी तारीफ़ करूँ मेरे पास अल्फाज नहीं है। नीतीश मोहते साहब के लिए मैं कुछ कहूँ, नीलेश मोहते साहब ने बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बढ़िया, एक नंबर काम किया है। मैं जितनी भी तारीफ़ करूँ उनके लिए कम है, उनकी शान में जितने भी कसीदे पड़ जाएँ वो कम है, क्योंकि इतनी खूबसूरत पेंटिंग बनाई है नरगिस जी और सुनील दत्त साहब और संजय दत्त जी को। ये पेंटिंग अगर देखेंगे संजय दत्त साहब तो वाकई में बहुत पसंद करेंगे और अपने घर पर लगाने की ज़रूर कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं इनको बहुत अच्छे से जानता हूँ। संजय बाबा बहुत ही अच्छे और नेक इंसान हैं, बहुत बॉलीवुड के बहुत अच्छे एक्टरों में आपकी गिनती है। तो आपने एबीपी न्यूज़ के सभी दर्शकों का मैं फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे रिपोर्टर अली भाई का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और सोशल मीडिया के जितने भी हमारे ग्रुप हैं, जितने भी लोग इस वीडियो को शेयर करने वाले हैं या जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनका सबका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद। और चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पब्लिक को आगे बढ़ाइए।